हेलो बच्चों, वेलकम टू वीके सागर एकेडमी। अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर वन रियल नंबर्स का पार्ट थ्री का फर्स्ट पार्ट। यहाँ बच्चों पार्ट थ्री के दो पार्ट बनाए गए हैं, क्योंकि बच्चों पार्ट थ्री में डिविजिबिलिटी रूल सिखाया जाएगा आपको, क्योंकि इसमें काफी नंबर्स लिए गए हैं, इस वजह से इसकी दो वीडियो आपको मिलेगी। टॉपिक कवर्ड डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल फॉर टू, डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल फॉर थ्री, डिविजिबिलिटी रूल फॉर फोर, डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल फॉर फाइव, डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल फॉर सिक्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल फॉर सेवन, डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल फॉर एट, फॉर नाइन एंड इलेवन। यहां बच्चों ये क्यों सिखाया जा रहा है आपको, क्योंकि जब बच्चों हम थ्योरम करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, या कुछ नंबर्स को हमें पहले से पता करना होता है कि ये डिविजिबल है कि नहीं है, किसी नंबर से, किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है, उसके लिए बच्चों इसकी जरूरत पड़ती है। तो क्योंकि हम इसके बाद पढ़ेंगे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, जहां हमें नंबर्स को फैक्टराइज करना होता है, तो उसके लिए बच्चों ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। इसे बच्चों दो पार्ट में कवर करेंगे, फिलहाल तो 11 ले रहे हैं, उसके बाद कुछ और प्राइम नंबर्स के भी हम डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल सीखेंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल फॉर टू, बच्चों कोई भी नंबर टू से कब डिवाइड हो सकता है, उसके लिए बच्चों ये रूल है कि जो नंबर है उसके लास्ट प्लेस का, मतलब वंस प्लेस जो डिजिट है, यूनिट प्लेस जो डिजिट है, वो टू से डिविजिबल होनी चाहिए, या कह सकते हो इवन होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। यदि ऐसा है तो गिवन नंबर, यदि लास्ट की मतलब यूनिट प्लेस की डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो उस केस में पूरा नंबर ही 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे आप देखें ये 3, 4, 5, 0, क्योंकि लास्ट में यहां जो लास्ट प्लेस है, यूनिट प्लेस है, उस पे 0 है, तो ये डिविजिबल है पूरा नंबर 2 से, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 4362 वंस प्लेस, या कह सकते हैं यूनिट प्लेस पर बच्चों 2 है, ये 2 है, तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप देख पा रहे हैं कि लास्ट प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर 4 है, तो ये नंबर भी, मतलब 7984 भी 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि इस नंबर के लास्ट में, मतलब यूनिट प्लेस पर 6 है, तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 2 से। और ऐसे ही एक और एग्जांपल लिख लीजिए, लास्ट एग्जांपल है इस रूल के लिए, 9878, यूनिट प्लेस बच्चों 8 है, और 8 2 से डिविजिबल है, या कह सकते हैं इवन नंबर है, तो पूरा नंबर ही 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों अभी हमने सीखा डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल फॉर 2, डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल फॉर 3। बच्चों यदि हमें चेक करना है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए जो नंबर्स दिए गए हैं उनके डिजिट्स को ऐड करना है, जो नंबर दिए गए हैं उसके डिजिट्स को ऐड कर लेना है। यदि डिजिट्स का सम, नंबर के डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल है, या कह सकते हैं आप 3 से डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा नंबर ही 3 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल देखें, जैसे बच्चों हमने लिया 5143281, हमें चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो यहां जितनी भी डिजिट्स दी गई हैं उन्हें हम ऐड कर लेंगे। जब बच्चों ऐड करेंगे तो आ जाएगा 24, जो यहां डिजिट्स हैं सबको ऐड कर लोगे बच्चे तो आ जाएगा 24 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये कि आपने इसे बिना डिवाइड किए ही पता कर लिया कि ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ये 788211, इस नंबर की डिजिट्स को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 27, इस नंबर के डिजिट्स को ऐड कर लिए तो आ गया 27, 27 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि ये जो 788211 है, ये पूरा पूरा 3 से डिविजिबल है। अब बच्चों जानेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल फॉर 4। 4 के लिए बच्चों हम डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल जानेंगे। इसके लिए बच्चों क्या रूल होता है कि लास्ट की 2 डिजिट, जो भी नंबर दिया गया है उसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। यदि किसी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, देखें हमारे पास नंबर है 467412, जो लास्ट की 2 डिजिट है बच्चों वो 12 है,
वंस प्लेस और टेंस प्लेस की जो डिजिट है वो 1 2 मतलब 12 है, ये 12 बच्चों 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा नंबर 4 6 7 4 1 2 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 1 3 2 8 लास्ट में जो आप देख पा रहे हैं कि ये 28 है, लास्ट टू डिजिट्स इस नंबर की 28 है, 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये कि पूरा का पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल होगा। चलिए बच्चों अब जानेंगे 5 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल होगा यदि उसकी यूनिट डिजिट 0 या 5 हो। एग्जांपल देखें, देख पा रहे हैं 8 9 3 2 0 है, यूनिट डिजिट 0 है, तो ये पूरा नंबर 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 7 8 2 5 की बात करें बच्चों, तो आप देख पा रहे हैं कि जो वंस प्लेस मतलब यूनिट डिजिट जो है 5 है, तो ये पूरा नंबर भी आपने एक डिजिट को देख के पता कर लिया कि ये डिवाइड हो जाएगा 5 से। बच्चों 6 के लिए हम डिविजिबिलिटी रूल जानेंगे। इसके लिए बच्चों ये रूल जो हमने 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल सीखा है 2 के लिए और जो 3 के लिए रूल सीखा है उनका कॉम्बिनेशन है। देखिए यदि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है इसका मतलब यह है कि वो 2 से और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। एग्जांपल देखिए बच्चों, आपको पता है कि ये जो नंबर है डिविजिबल है 2 से, क्यों? क्योंकि जो वंस प्लेस है वहां 2 है, तो ये पूरा पूरा नंबर जो है 2 से डिविजिबल है। और जब इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि 18 आ रहा है, नंबर के डिजिट्स को अगर आप ऐड करते हैं तो ये आ रहा है 18। अब ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, आप देख पा रहे हैं ये नंबर है हमारे पास और इसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो 2 है, और इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 2 से। अब हमें पता करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इस नंबर की सभी डिजिट्स को ऐड करेंगे 12 आ जाएगा, और 12 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो गिवन नंबर है ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी, तो उस केस में गिवन नंबर 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों आपने 6 के लिए जो रूल सीखा वो ये कि गिवन नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब बच्चों हम जानेंगे 7 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल कि कोई भी नंबर 7 से कब डिवाइड हो सकता है। रूल जानेंगे बच्चों, डबल द लास्ट डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, द रिजल्ट शुड बी 0 और डिविजिबल बाय 7। बच्चों यदि आपके पास कोई नंबर दिया गया है आपने डिवाइड किए बिना ही पता करना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो क्या करना है बच्चों, लास्ट डिजिट लेना है, जो भी नंबर दिया गया है यूनिट प्लेस की डिजिट लेनी है, उसका डबल करना है, बाकी बचे हुए नंबरों में से माइनस कर लेना है, है ना। यदि माइनस करने के बाद जो नंबर आता है हमारे पास वो 7 से डिविजिबल है, तो उस केस में पूरा का पूरा नंबर ही 7 से डिविजिबल होगा। देखें बाय एग्जांपल समझें, हमारे पास बच्चों नंबर है 6 5 5 9, चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। एक तरीका ये है कि आप डिवाइड करके पता करें, लेकिन हम ये काम नहीं करने वाले हैं। जो अभी यहां रूल बताया हमने, क्या बताया कि जो लास्ट प्लेस की डिजिट है जो कि 9 है, इसका डबल कीजिए और बाकी नंबरों में से मतलब 6 5 5 में से माइनस कर लीजिए। ये आ गया बेटे 637। अभी भी हम कंफर्म, वैसे तो यहां लग रहा है कि पता चल गया आपको कि ये डिवाइड हो जाएगा 7 से, कैसे 63 9 जा और ये 7 1 10, लेकिन अगर आपको यहां भी कंफर्म ना हो तो एक बार और हम यही रूल लगाएंगे। भाई लास्ट प्लेस की डिजिट क्या है? 7 है। बच्चों को यह भी ध्यान रखना है कि ये जो प्रोसीजर है हम बार बार लगाएंगे। यदि मान लीजिए यहां आपको जानकारी नहीं मिलती है, तो अभी जो हमने क्या किया कि गिवन नंबर के लास्ट प्लेस की डिजिट ली हमने और उसका डबल करके माइनस कर दिया। अगर आपको यहां भी जानकारी नहीं मिलती है तो फिर यही तरीका जो है, यही प्रोसीजर आगे भी आपने लगाना है। तो बच्चों 63 छोड़ने के बाद ये 7 का डबल कीजिए, 14 हो गया। अब 63 में से 14 माइनस किया तो क्या आ गया, 49। 49 बच्चों डिविजिबल है, डिविजिबल है 7 से, तो इसका मतलब ये कि पूरा का पूरा नंबर ही 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लो यहां भी आपको जानकारी नहीं मिलती तो फिर से हम वही प्रोसीजर लगाते जो यहां
बताया गया जो मैंने आपको पहले बताया। तो आप समझ गए होंगे क्या करना होता है कि जो भी नंबर दिया गया है लास्ट प्लेस की डिजिट लेनी है, उसका डबल करना है, बाकी जो नंबर्स बचे उन्हें माइनस कर लेना है। अगर मान लीजिए पहली बार में आपको जानकारी नहीं मिलती है तो बार बार इस रूल को अप्लाई करते रहना जब तक कि 7 का मल्टीपल ना आ जाए। यदि मान लीजिए यहां 7 का मल्टीपल नहीं आता है ना, या कोई जो नंबर आता है वो 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो उस केस में पूरा का पूरा नंबर 7 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। यदि 7 का मल्टीपल आता है या 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर आते हैं तो उस केस में गिवन नंबर 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, यहां इस बार हमने नंबर काफी बड़ा लिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि जो यूनिट प्लेस का नंबर है वो 9 है, इसका हमने डबल किया, बाकी नंबर छोड़ दिए है ना, और माइनस करने के बाद ये आया। हमें बच्चों अभी भी जानकारी नहीं मिल पा रही कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो अब बच्चों क्या करने वाले हैं, 0 का डबल करेंगे, बाकी जो नंबर हैं उनमें से माइनस कर लेंगे, तो ये इतना ही आ जाएगा 5523। ओके बच्चों, ये प्रोसीजर डिवाइड, अगर आपको चेक करना है कि भाई ये नंबर 7 से पूरा पूरा डिवाइड है कि नहीं है ना, और ये प्रोसीजर लगाना है, तो ये आसान है क्योंकि डिवाइड करना बच्चों एड या सब्ट्रैक्ट करने से हार्ड होता है ना, तो ये तरीका ज्यादा अच्छा होगा। यदि हमें चेक करना है कि ये नंबर पूरा पूरा 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो ऐसे ही आपने पता करना है। अब बच्चों जो हमारे पास नंबर है अभी भी हमें जानकारी नहीं मिल पाई कि 5523 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम क्या करने वाले हैं, जो लास्ट प्लेस की डिजिट है 3 उसका डबल करेंगे और बाकी नंबर में से माइनस कर लेंगे। तो ये कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, भाई 3 का डबल कितना हो जाएगा 6, तो 552 में से 6 माइनस कर लीजिए। यहां भी बच्चों हमें जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो 546 लास्ट प्लेस की डिजिट क्या है हमारे पास 6। अब क्या करने वाले हैं, आप समझ गए होंगे, 6 का डबल करेंगे और 54 में से माइनस कर लेंगे। क्या आ गया बच्चों 42 यहां देख पा रहे हैं 42 7 का मल्टीपल है या 7 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है 552489 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और इसमें जो बच्चों नए नए नंबर मिले हैं, जैसे ये वाला नंबर मिला है, अगर यहां तक हम पहुंचे हैं, लास्ट स्टेप तक पहुंच गए हैं, यदि वो नंबर डिविजिबल, जैसे 42 आया, लास्ट स्टेप हमारा 42 आया, तो इससे पहले जो हमें नंबर्स मिले थे ये और ये भी बच्चों 7 से पूरे पूरे डिविजिबल होंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल 8 के लिए बच्चों हम रूल जानेंगे कि कोई भी नंबर 8 से कब कब डिविजिबल होगा। किन केस में, जो भी नंबर है बच्चों उसकी लास्ट की 3 डिजिट्स यदि 8 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर ही 8 से डिवाइड हो जाएगा। देखें ऐसे, जैसे हमारे पास बच्चों ये नंबर है 5440, लास्ट की 3 डिजिट क्या है हमारे पास 440। बच्चों 440 8 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा नंबर ही 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चों हमने सेकेंड एग्जाम्पल लिया 4567864, लास्ट की जो 3 डिजिट्स है बच्चों वो है हमारे पास 864। आपको पता है कि 864 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि ये पूरा का पूरा नंबर ही 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप इस नियम को समझ गए होंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल 49, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। यदि आप ये पता करना चाहते हैं गिवन नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गिवन नंबर्स की डिजिट को आपने ऐड कर लेना है, सम कर लेना है उनका, और जो सम आएगा यदि वो 0 है या 9 का मल्टीपल है, तो उस केस में पूरा का पूरा नंबर ही 9 से डिविजिबल हो जाएगा। देखें ऐसे बच्चों, हमने एग्जांपल लिया 147456, अब हमें पता करना है कि ये नंबर 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो क्या करना, आपने इन सभी डिजिट्स को ऐड कर लेना है, ऐड करने पर 27 आ जाएगा, और 27 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो उस केस में पूरा का पूरा नंबर ही 147456 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चों एक और नंबर लेते हैं, हमारे पास ये काफी बड़ा नंबर है, अब हमें चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसकी डिजिट्स को हम ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद बच्चों 45 आ जाएगा, इसकी डिजिट्स का सम जो है आ जाएगा 45। आपको पता है 45 9 का मल्टीपल है, आप कह सकते हैं 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये कि ये पूरा का पूरा नंबर ही 9 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा। अब बच्चों हम 11 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल जानने वाले हैं। द डिफरेंस बिटवीन सम्स ऑफ डिजिट एट इवन एंड एट ओड प्लेसेस शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। बच्चों इसके लिए तरीका यह है, इसका जो नियम है 11 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल के लिए जो रूल है वो ये है कि जो भी नंबर दिया गया है उसके इवन प्लेसेस और ओड प्लेसेस
कि डिजिट्स को ऐड करना है और उनका डिफरेंस लेना है। फिर से सुनिए, जो भी नंबर दिया गया है इवन प्लेसेस और ओड प्लेसेस के जो डिजिट्स हैं उनका सम लेना है और फिर उनका डिफरेंस करना है इवन प्लेसेस और ओड प्लेसेस का। और यदि इस केस में जो डिफरेंस है या तो जीरो आ जाए या 11 से डिविजिबल हो या 11 का मल्टीपल हो तो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। बाय एग्जांपल समझें, जैसे बच्चों हमारे पास ये नंबर है, देखें ये जो बच्चों रेड हो रखे हैं 5, 6, 1, देखो ये पहला प्लेस है तो ये ओड हो गया, ये दूसरा प्लेस है सॉरी ये तीसरा प्लेस है और ये पांचवा प्लेस है। तो जो ओड प्लेसेस पर हैं वो तो 5, 6, 1 है, जो इवन प्लेसेस पर डिजिट्स हैं वो हैं 2, 5, 5। तो बच्चों क्या करने वाले हैं हम, इनका सम पता करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ओड प्लेसेस। जो ओड प्लेसेस पर डिजिट्स हैं वो क्या है 5, 6, 1, इनको ऐड कर लीजिए 12 आ गया। और जो ओड प्लेसेस पर है सॉरी ओड प्लेसेस तो हमने ले लिए, जो इवन प्लेसेस पर डिजिट्स हैं 2, 5, 1, उनका सम पता किया बच्चों 12 आ गया। फिर इनका डिफरेंस ले लो, डिफरेंस आपको पता है कि इनका डिफरेंस 0 आ जाएगा, 12 - 12 0 आ जाएगा। तो उस केस में पूरा का पूरा नंबर ही 11 से डिवाइड हो जाएगा। जो बच्चों यहां नियम बताया गया था आप समझ गए होंगे, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं कि जो भी नंबर दिया गया है उसके इवन प्लेस के डिजिट्स को ऐड कर लीजिए और ओड प्लेस के डिजिट्स को भी ऐड कर लीजिए। यदि ये दोनों ही डिफरेंस या तो जीरो हैं या 11 के मल्टीपल हैं, मल्टीपल से मतलब ये है कि 11 के टेबल में आते हूं, तो उस केस में पूरा का पूरा नंबर ही जो भी दिया गया है वो 11 से डिविजिबल होगा। अगर ऐसा नहीं है, जीरो नहीं आता है या 11 का मल्टीपल नहीं आता है तो उस केस में 11 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए एक और नंबर ले लिया हमने, देखो 5, 2, 7, 8, ये तो बच्चों ओड प्लेसेस के डिजिट्स हैं और बाकी जो ब्लैक कलर के हैं वो इवन प्लेस के डिजिट्स हैं। तो बच्चों इनका सम पता करते हैं, ओड प्लेस के जो डिजिट्स हैं उनका सम 22 आ जाएगा और जो इवन प्लेस के डिजिट्स हैं उनका सम 11 आ जाएगा। इनका डिफरेंस देख पा रहे हैं बच्चों, 22 और 11 का डिफरेंस 11 आ जाएगा। ये 11 11 का मल्टीपल है या कह सकते हैं 11 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये है कि इतना करके आपने पता कर लिया कि ये जो नंबर है 5026758 ये 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये बच्चों 11 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल था। तो बच्चों यहां हमने कुछ प्राइम नंबर्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल सीखे, बाकी जो कुछ प्राइम नंबर्स हैं जो 50 से लेस होंगे है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइम नंबर्स हैं बच्चों, जैसे जैसे प्राइम नंबर बढ़ता जाएगा उनके रूल्स थोड़े टफ होते जाते हैं, तो 50 से जो लेस हैं वहां तक हम लोग जो है करने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल। तो बाकी नंबर्स के लिए, बाकी प्राइम नंबर्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल के लिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।